वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 विकास को पूरा किया था। तो अब हम अर्थशास्त्र की पुस्तक का जो हमारा अध्याय 1 है, उस अध्याय 1 में हम उसके प्रश्न आंसर देंगे कि विकास वाले चैप्टर में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास है ना, किसी देश का विकास किस आधार पर निकास आधारित किया जाता है। भाई प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल ठीक है, औसत साक्षरता ये भी ठीक है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ये भी, उपरोक्त सभी, ये लास्ट वाला घय से घर, उपरोक्त सभी ये सही है। क्योंकि सामान्यतः किसी देश का जो विकास है उनको अगर हम देखते हैं तो प्रति व्यक्ति आय भी है, औसत साक्षरता स्तर भी है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से अच्छी है, तुमने पढ़ी थी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। देखिए अगर आपको ध्यान नहीं है तो बैक में चले जाइए और बैक में ये देखा हुआ है, देखिए इसमें देखिए हम 2004 की इस पुस्तक में आंकड़े दिए गए। तो यहाँ पर श्रीलंका की स्थिति भारत से अच्छी है, भारत से अच्छी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है, मान लीजिए एक देश है और उसमें 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय है 5,000 रुपये। मान ले कि वही देश है, उस देश में कितने परिवार है, 4 परिवार है, और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति करता है 5,000 रुपये, तो 4 व्यक्ति कितने करेंगे, 4 × 5,000, तो 5×20,000 होगी, 20,000 रुपये हो ना। अगर 3 परिवारों की आय एक की 4,000, एक की 7,000, एक की 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे, 4,000, 7,000 और 3,000, कितने हो गए, जैसे 3 और 7, 10 और 4, 14, ये टोटल कितने हो, 14,000। और ये 5,000 को 4 परिवार से गुणा करा 5×20, 20 में से 14 घटा देंगे तो कितने बचे, 6,000 रुपये। तो इसका जो 6,000 रुपये है ये सही है, 6,000 जो है ये बिल्कुल ठीक है, 6,000 रुपये। अब देखिए कुछ छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है, यानी सीमा बोल रहा है। सबसे कह रहा है कि विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसको प्रमुख आधार मानता है। विश्व जो बैंक है वे देशों का वर्गीकरण करते समय वे राष्ट्रीय जो आय है, हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय है उसको, उसका प्रमुख मापदंड होता है। क्या होता है, प्रमुख जो मापदंड होता है वह है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय या उस देश की हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम या औसत इनकम कहते हैं। देखिए ये प्रश्न आपने कहा था विश्व बैंक वाला, वर्ल्ड बैंक वाला, ये देखिए देखिए ये आपने इसमें पढ़ा था मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट में आपने ये मान सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय तो है, इस प्रति व्यक्ति आय के अलावा हमारे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनको भी हम आधार बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। देखिए हाँ बिल्कुल सही है, इसमें तो क्या केवल आय को ही माना था विश्व बैंक ने, उसको केवल आय माना था कि प्रति व्यक्ति जो आय है उससे ही हम विकास का आधार मानने, जिसमें कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या का भाव देंगे,
लेकिन विकास मामले का यूएनडीपी का मापदंड क्या था? यूएनडीपी कहता कि प्रति व्यक्ति आय तो है, और प्रति व्यक्ति की आय के अलावा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और शिशु मृत्यु दर है, और उसको जीवन प्रत्याशा, इनको भी उसके आधार बताया गया था ना। तो ये इसके विकास के मापने के अन्य आधार। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? जो एवरेज है ना, हम औसत का प्रयोग इसलिए करते हैं कि भाई किसी देश की औसत आय निकालने के लिए, या हम इससे हमारे देश का, राज्य का, और हम अपने किसी डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, और अपने परिवार का भी आय निकाल सकते हैं। इसका प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं? क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देखिए, सुनिए। देखिए हमें औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? हम औसत का प्रयोग ये करते हैं कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए, और प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के बाद हम उसको औसत निकालते हैं। और इसका निकालने क्या सूत्र है? उस देश के जो कुल व्यक्ति जो है संलग्न है, काम कर रहे हैं, चाहे वे मान लीजिए सरकारी कर्मचारी हों या प्राइवेट कर्मचारी हों, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले हों, प्राइवेट ऑफिस में, या कोई व्यवसायी हो, स्वयं का बिजनेस हो, उन सब की राष्ट्रीय आय को हम टोटल कर देते हैं, और उसमें जितनी पॉपुलेशन है उसका डिवाइड कर देते हैं, उसको भाग देते हैं, जिससे हमारी ब्याज निकल जाती है। इसका प्रयोग करने की सीमाएं, अगर हम सीमाएं देखते हैं तो इसमें सीमा को अंदर देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो इसकी जो टोटल जो आय है, जो टोटल आय को ही जोड़कर उसी संख्या को भाग दिया जाता है, उससे अधिक संख्याओं को भाग हम नहीं दे सकते। जैसे किसी स्टेट में मान लीजिए 500,000 पॉपुलेशन है, तो 500,000 से अधिक नहीं देंगे भाग, उन्हीं को हम इसको उसको जोड़कर इसमें भाग दिया जाएगा। और दूसरे हम सप्लीमेंट्री बुक का हेल्प लेके भी इसमें कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, क्यों है भाई? क्योंकि पंजाब की प्रति व्यक्ति आय तो अधिक है, लेकिन अन्य जो आय के अलावा जो अन्य जो क्राइटेरिया है, अन्य मापदंड है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, शिशु मृत्यु दर है, ये कम है वहाँ पर, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है, और राज्य की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि किसी देश का अगर हम मानव विकास सूचकांक ज्ञात करेंगे तो केवल राष्ट्रीय आय को ही हमने देखेंगे, या भी कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय ही हमें नहीं रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय के अलावा हमारे दूसरे अन्य साधन भी है, जो हमारे यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट जारी करते समय बताया था। कौन कौन से फैक्टर में? जैसे ने बताया कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, शिशु मृत्यु दर है, और व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा है। तो आय के साथ साथ इनको भी हम रखेंगे, तभी किसी देश का मानव विकास क्रमांक है वे निकाला जा सकता है, वरना उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर पंजाब की केरला की बात है, तो देखो केरल की प्रति व्यक्ति आय कम है, तुलनात्मक रूप से करें तो पंजाब की, लेकिन केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, केरल में शिक्षा का विस्तार अधिक है, जीवन प्रत्याशा ऊंची है, और शिशु मृत्यु दर कम है, इसलिए इसका सूचकांक पंजाब से कहीं अधिक है। पंजाब केवल आय में अधिक हो सकता है आय में तालिका पीछे, लेकिन अन्य स्रोतों से कहीं पीछे, इसलिए हम इसका मापदंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है? याद कीजिए, अब से 50 वर्ष पश्चात क्या सम्मान हो सकती है? भारत के लोग ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग, बताइए आप। अब किस किस का प्रयोग कर रहा है ऊर्जा के? बिजली का प्रयोग कर रहा है, कोयले का प्रयोग कर रहा है, डीजल का, पेट्रोल का, जल विद्युत का, बायोगैस का कर रहा है ना। लेकिन 50 वर्ष के बाद देखेंगे तो धीरे धीरे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जो हमारे जो ऊर्जा के संसाधन है वे सीमित है, तो खत्म हो जाएंगे तो क्या करेगी जनता? वाल होती है जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको, यानी कि निश्चित रूप से हम ज्यादा बढ़ावा देंगे, जैसे सौर ऊर्जा को, बायोगैस को, भूतापीय, जो हमारा ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है जिसको कहते हैं तापीय है ना, थर्मल पावर है, उसको हम अधिक जोर देंगे, इनको बड़े स्केल पर करेंगे, बड़ी मात्रा में
करेंगे तभी तो हमें शक्ति मिल पाएगी, वरना तो ये प्रयोग नहीं हो पाएगा। धारणता का विकास, धारणता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब देखिए, धारणता का विषय विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पढ़ा कि जो सतत विकास है यह धारणता का विश्वास लिया कि वर्तमान में अपना विकास करें और वर्तमान में पर्यावरण को बिना किसी नुकसान किए हुए अपना वर्तमान में विकास कर और क्या करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ संसाधन को संरक्षित करना है, सेव करना है, उसको बचाए रखना है। इसलिए धारणता का जो विषय है ये हमें लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमने इसको नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी अपना विकास नहीं करेगी, इसलिए धारणता का विकास महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, धरती के पास सब लोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। बिल्कुल है, धरती के पास बहुत संसाधन है, लोहा है, चांदी है, सोना है, अभ्रक है ना, बहुत से कितने धातु और अधातु निकाले जाते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि पेटी भरने के लिए पेट भरने के लिए नहीं, कहा ना, तो इसमें यह बताया कि बिल्कुल सही है कि जो कुछ लालची व्यक्ति है ना, वे अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अनाधिक रूप से यानी कि अवैध रूप से काम करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको प्राकृतिक वनस्पति है, व्यक्ति लालचवश अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जंगल को साफ कर रहा है ना, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो ये गलत है। इस यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा बिल्कुल ठीक है कि व्यक्ति आए दिन ना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वे खनन कार्य करता है, जंगलों को काटता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आप में आसपास देखो। बताइए आप क्या देखते हो, पर्यावरण में गिरावट कैसे आती है? जैसे देखते हो खान खोदते हो ना, जैसे कोई बजरी निकालता है, पत्थर निकालता है, खनन कार्य करता है, उससे जैसे गहरी खाने हो जाती है, जैसे कोयले की खाने, पेट्रोलियम निकालते हैं, अधिक खनन कार्य से भी हमारी जो है ना पर्यावरण गिरावट आती है। दूसरा, जंगल को साफ करने से प्राकृतिक वनस्पति के लिए उसको जंगल के काटने से, अधिक सिंचाई करने से भी पर्यावरण हमारा पर्यावरण में गिरावट आती है, लैंड डिग्रेशन होता है ना, अधिक पशुचारण करने से भी हम आसपास में ही देते हैं, अधिक पशुचारण करने से, जंगलों को काटने से, गहरी खान खोदने से है ना, इनसे ही ऐसे कारण है जिससे हमारे पर्यावरण में गिरावट होती है और अपने आसपास में ही हमने ये देखा है। तालिका 12 में देखिए, तालिका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, तालिका 1.7 में देखिए, प्रत्येक पंथ के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। अब देखिए 1.7 में दी गई प्रत्येक मंथ में देखें सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन, देखो बिल्कुल आपको पता लग जाए कौन सा सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर है श्रीलंका, श्रीलंका के क्या है कि प्रति व्यक्ति आय अमेरिका डॉलर में 4,390 रुपए, जन्म के से संभावित आयु है 74 वर्ष है और साक्षरता दर 15 वर्ष की जनसंख्या के लिए 91 है और तीन स्तरों के लिए सकल अनुपात है 69। तीन स्तर बताए आपने, हमने इसे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, और विश्व में मानव विकास सूचकांक है 93। तो प्रथम पर तो है श्रीलंका और सबसे नीचे कौन सा है? अब सबसे नीचे आप देखिए, सबसे नीचे कंडीशन दी गई हमारी म्यांमार की। देखिए म्यांमार में यहाँ आय तो कम है, यहाँ 61 है, ये भी जन्म के समय भी कम है, तो यहाँ इसमें हम देखते हैं, इसमें देखते हैं सबसे कम देखते हैं 126 इंडिया की है, सबसे नीचे इंडिया है, सबसे ऊपर ये और सबसे नीचे इंडिया नहीं है, इससे तो नीचे और हैं। देखिए 130 138 है सबसे, नेपाल है, क्या है, नेपाल है, नेपाल की स्थिति सबसे कमजोर है। देखो आय कम है, हो सकता है म्यांमार की आय कम है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इसकी रैंक देखते ना तो रैंक इसकी 138 है, 177 देशों में इसकी रैंक 138 है, तो ये इन देशों में सबसे नीचे है नेपाल। तो सबसे नीचे कौन है, नेपाल है। जन्म के समय आए संभवत आयु 62 है, साक्षरता दर 15 वर्ष की जनसंख्या के लिए 50 है,
तीन स्तरों के लिए संकलनांक 161 है और इसकी रैंक 138 है। तो सबसे नीचे कौन है आपका, ये बताया हमने नेपाल, और सबसे ऊपर श्रीलंका। नीचे दी गई तालिका में, अब देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में भारत के, भारत में अल्पोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2001 में देश के विभिन्न राज्यों का एक सर्वेक्षण आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब देखिए ये बताया कि इसमें नीचे दी गई तालिका में भारत में अल्पोषित वयस्क, जिसमें तुमने याद किया ना बॉडी मास इंडेक्स ना शरीर द्रव्यमान सूचकांक अनुपात दिखाया गया है। यह 2001 में देश के विभिन्न राज्यों का एक सर्वेक्षण पर आधारित है। अब देश में केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है सभी राज्य। केरल का है 22, पुरुष और महिला है 19, कर्नाटक का 36 और इसमें 38, और मध्य प्रदेश का 43 और 42, और सभी राज्य में 37 और 36। केरल और मध्य प्रदेश के दोनों, केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर की तुलना की जाती है। केरल का क्या है, केरल में 52 है, 22 है, और मध्य प्रदेश में अगर देखते हैं तो 43 है, बहुत अंतर है, 50% का अंतर है। ये कह रहा है कि केरल और मध्य प्रदेश के लोगों का पोषण स्तर की तुलना बिल्कुल कम है। अगर महिलाओं को देखते हैं केरल का 19 है, और अगर मध्य प्रदेश का देखते हैं 42 है लगभग, यानी कि केरल का और मध्य प्रदेश का देखते हैं तो यहाँ 42 है, तो लगभग क्या होगा आधा दिखाई दे रहा है, बहुत अंतर है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40% लोग अल्प पोषित क्यों हैं, यदि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न है, अपने शब्दों में विवरण दें। अब देखिए ये तुमको बताया कि हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न है। अब जैसे राशन की उचित दुकान लेते हैं, क्या सभी व्यक्तियों को, जो वाजिब व्यक्ति हैं, जो गरीब है उनको राशन मिल रहा है क्या? इसका कहीं ऐसे देखना है कि जो अमीर लोग हैं ना वो इसका फायदा उठा रहे हैं और गरीब लोग इनसे वंचित रह रहे हैं, तो ये गलत है। दूसरा है कि अंदाजा लगा सकते हैं देश में 40% जो लोग हैं ना अल्पोषित है, क्यों? आज भी लोगों में, भारत देश में इतनी गरीबी है कि उनको, जो काफ़ी लोग ऐसे हैं, एक बहुत बड़ा समुदाय जिनकी जो बेसिक नीड्स है ना, जो पांच मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी नहीं मिल पाती। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है ना आज भी यहाँ लोग अल्प विकसित हैं, यहाँ विकसित नहीं है, अल्प पोषित हैं, अल्प विकसित नहीं, अल्प पोषित हैं, उनका पोषण पूरी तरह से नहीं हो रहा। जैसे आपने पढ़ा था इस वाले में टॉपिक में शरीर द्रव्यमान सूचकांक ज्ञात करने के लिए कि आपको अल्प पोषित किसे कहा जाएगा और आपको अतिभात किया जाए। अल्प पोषित उसे कहेंगे जिसके 18.5 से कम शरीर द्रव्यमान संख्या जाता है, 18.5 से कम हो या 18.5 हो तो अल्पोषित व्यक्ति कहेगा, और 25 से अधिक है तो वे व्यक्ति अति भारी यानी अधिक वजन कहेगा। इसको निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको कि सबसे पहले कुल किसी व्यक्ति का कुल वजन ले लेंगे, कुल वजन को किलोग्राम में लेंगे, और फिर उसके बाद में जो उसकी लंबाई है, लंबाई को हम मीटर में नापेंगे और कुल वजन में उसकी लंबाई का भाग दे देंगे, ऊंचाई का भाग दे देंगे, उससे हमारा शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स BMI कहते हैं, भी निकल जाएगा। इससे हम निकाल के बता सकते। तो ये था हमारा संक्षेप में चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चनों के आंसर, और आपको अगर डिटेल जो आंसर है तो वे PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा और ये चैप्टर कम्प्लीट होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी, जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में लिखना, आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।